हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केस 79 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि इनकी संख्या 79 तक पहुंच चुकी है। और आज 20 नए संक्रमित केस सामने आए हैं और पलवल में सबसे ज्यादा 25 केस पॉजिटिव देखने को मिले हैं। वहीं नूह में 14 मामले, फरीदाबाद में 13 और गुरुग्राम में 9 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। पलवल में 9 और नूह में 6 नए संक्रमित केस आज सामने आए हैं। करनाल में 4 नए और चरखी दादरी में 1 नया संक्रमित केस सामने आया है। सूबे में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इसको लेकर के हरियाणा सरकार प्रशासन लगातार एहतियात बरते हुए है। हरियाणा में कुल 15 जिस तरीके से संख्या अभी तक नजर आ रही है, 79 हरियाणा के अंदर अभी तक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और आज 20 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। और ऐसे में इन संख्याओं को लेकर के, जो संक्रमित मरीज हैं इनकी संख्या को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कितना ये गंभीर है, कितना ये विकट स्थिति आज पूरे प्रदेश के सामने बन चुकी है। लगातार और तेजी के साथ जो मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों के साथ तुलना करें तो हरियाणा में उतने ज्यादा संख्या नजर नहीं आ रही है। बार बार जो जितने एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट बार बार इस बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्यादा उतने घबराने वाली स्थिति हरियाणा प्रदेश में नहीं है। और हरियाणा में कुल मिलाकर के 15 संक्रमित अभी तक ठीक हो चुके हैं, ये भी फिलहाल इस बीच जानकारी मिल रही है।